अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MTH 401 की असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। असाइनमेंट नंबर 2 के टोटल 10 नंबर हैं और उसकी ड्यू डेट भी यहाँ पर मैंशनड है, आप देख सकते हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चन पर जाने से पहले यहाँ पर कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन हैं, आप काइंडली को एक नज़र देख लें ताकि आपके नंबर डिडक्ट ना हो। ओके, आप ज़रा असाइनमेंट के क्वेश्चन को देख लेते हैं। असाइनमेंट के 2 क्वेश्चन हैं और दोनों की लेंथ क्योंकि ज़्यादा है तो इस वजह से आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँगा और जो मेरी अपकमिंग वीडियो होगी उसमें हम असाइनमेंट का जो दूसरा क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन की बात करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज JMx बींग द वेसल्स फंक्शन डिफाइंड बाय। वो कह रहा है कि जो जे एम एफ एक्स है ये कोई बेसल्स फंक्शन है और बेसल्स फंक्शन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। बेसल्स फंक्शन की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि आपकी हैंड आउट्स में भी गिवन है वो कुछ इस तरह से होती है, जे वी एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन फ्रॉम 0 to ∞ -1 to raise power n डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल गैमा ऑफ 1 + v + n इंटू x/2 whole power 2n + v। ये जो हमारे पास बेसल्स फंक्शन की जनरल रिप्रेजेंटेशन है इसमें हमने v को यूज़ किया है, ठीक है। और यहाँ पे जो सम की लिमिट्स हैं, समेशन की जो लिमिट्स हैं वो हमारे पास n फ्रॉम 0 to ∞ है और यहाँ पर देखिए -1 की पावर n आता है और यहाँ पे नीचे n फैक्टोरियल आता है और गैमा के अंदर भी n यूज़ हुआ है और यहाँ पर x/2 की पावर में भी n को यूज़ किया गया है। अच्छा, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। हमने जो चीज़ वेरीफाई करनी है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो क्या है, जे माइनस एम ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर m इंटू जे एम ऑफ एक्स। स्टूडेंट, हमने जो चीज़ जो प्रॉपर्टी हमने इस क्वेश्चन के अंदर वेरीफाई करनी है उसमें v आपको नज़र नहीं आ रहा, उसमें बेसिकली m को यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले क्योंकि उसने हमें पहले ही बता दिया है कि जे एम ऑफ एक्स जो है ना ये कोई बेसल्स फंक्शन है, तो अगर ये बेसल्स फंक्शन है तो फिर हम जे वी एफ एक्स वाली रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करके जो कि बेसल्स फंक्शन की जनरल रिप्रेजेंटेशन है इसको यूज़ करके हम जे एम एफ एक्स का जो फार्मूला है जो मतलब जे एम एफ एक्स को हम इन टर्म्स ऑफ बेसल्स फंक्शन जब हम लिखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन बनेगी, कुछ इस तरह का फार्मूला बनेगा और उसी फार्मूला को यूज़ करके फिर हम इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। इस प्रॉपर्टी को आप रिकरेंस रिलेशन भी कह सकते हैं। ओके, अब जरा क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है उस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है जो कि आपकी असाइनमेंट की फाइल में लिखी हुई है उसी सारे को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं। जो प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करनी है उसमें m यूज़ हुआ है तो इस वजह से ये जो बेसल्स फंक्शन की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन गिवन है जिसमें v को यूज़ किया गया है इसको देखते हुए हमने अभी जे एम एफ एक्स का जो फार्मूला है जो उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है उसको हमने लिखना है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है, वी नो बाई डेफिनेशन ऑफ बेसल्स फंक्शन जे एम एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन आर फ्रॉम 0 to ∞। क्योंकि n को हमने ऊपर भी यूज़ किया था एज ए समेशन, एज ए लिमिट ऑफ समेशन, तो यहाँ पर हम जो है ना वो समेशन की डिफरेंट लिमिट यूज़ करेंगे और हमने वो r को यूज़ कर लिया, r फ्रॉम 0 to ∞ -1 to raise power r नीचे r फैक्टोरियल इंटू गैमा ऑफ, क्योंकि यहाँ पे m था ना तो यहाँ पे गैमा ऑफ m आ गया और क्योंकि हमने यहाँ पर समेशन की जो लिमिट है वो r यूज़ की है तो यहाँ पर r भी आ गया +1 इंटू x/2 whole power 2r + n। ओके, इसको मैंने कह दिया दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब जो चीज़ हमने जो प्रॉपर्टी हमने स्टूडेंट वेरीफाई करनी है आप ज़रा उसको देख लें। इसमें देखिए लेफ्ट साइड पे j माइनस m ऑफ x है तो इक्वेशन नंबर 1 में m की जगह पे आपने माइनस m जो है वो पुट करना है। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो है ना वो m को माइनस m से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाती है, आप इसको देख सकते हैं। ओके, आगे मूव करते हैं। गैमा जो फंक्शन होता है वो हमारे पास जो है ना वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं या इसको आप नॉन नेगेटिव नंबर भी कह सकते हैं, जो नॉन नेगेटिव नंबर होते हैं उनके लिए गैमा डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर मैंने कौन सा पॉइंट लिखा आप देखें ज़रा, सिंस गैमा ऑफ -m + r + 1 इक्वल टू इन्फिनिटी व्हेन -m + r + 1 < 1। मतलब अगर ये जो गैमा के अंदर लिखा हुआ है अगर ये लेस देन वन हो जाता है तो उस केस में हमारे पास गैमा ऑफ -m + r + 1 जो इन्फिनिटी हो जाएगा और इस वजह से जब ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो हमारे पास जे एम एफ एक्स की जो सारी टर्म्स हैं वो जीरो हो जाएंगी। तो इसी केस से बचने के लिए हमने क्या किया,
सो जे एम ऑफ एक्स विल स्टार्ट नॉन जीरो टर्म्स व्हेन माइनस एम प्लस आर प्लस वन इक्वल टू जीरो इक्वल टू वन आर ग्रेटर देन वन. तो यहाँ पर हमने ऐसे ही कुछ लिख लिया, देखें ज़रा यहाँ पर वन वन दोनों साइड पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमें आर जो है ना वो या तो इक्वल टू एम मिल जाएगा या ग्रेटर देन एम मिल जाएगा. तो आर जब इक्वल टू एम या ग्रेटर देन एम हो तो उस केस में हमें जे एम ऑफ एक्स की नॉन जीरो टर्म्स मिलेगी. सो वी हैव, या हमने वही लिख लिया जो ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है, जो m को हमने माइनस एम से रिप्लेस किया था. अब हम यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पर दो तरीके हैं. देखिए इस m को अगर मैं लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ तो ये r माइनस एम इक्वल टू जीरो हो जाएगा. r माइनस एम को हमें किसी नए वेरिएबल के इक्वल पुट करना पड़ेगा, या आप डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं पुट r इज इक्वल टू एम प्लस एस. यहाँ पर r की जगह पे m प्लस एस पुट करें, m m से कैंसिल हो जाएगा तो s इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर भी आर की जगह आपने एम प्लस एस पुट किया, यहाँ पर भी पुट किया, इधर नीचे भी, यहाँ पर भी गैमा के अंदर भी, और यहाँ पावर में भी आपने आर की जगह पे एम प्लस एस पुट कर दिया, और बाय टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू एम प्लस टू एस बन जाएगा. ओके, ये मैंने पुट किया, और यहाँ पे एस जो है ना वो एस की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो वन टू एंड सो ऑन. ओके, अब जरा हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. ये जो हमारे पास स्टूडेंट स्टेप है इसमें आपने देखें माइनस वन की पावर एम प्लस एस है, तो माइनस वन की पावर एम मल्टीप्लाई माइनस वन की पावर एस, इसको मैं लिख सकता हूँ. यहाँ पर टू एम माइनस एम करेंगे तो एम बच जाएगा, यहाँ पर एम एम कैंसिल हो जाएंगे. अच्छा, इस जो अगले स्टेप में हमने किया है स्टूडेंट, इसमें हमने गैमा और फैक्टोरियल के दरमियान जो रिलेशन होता है हमने उसको यूज़ करके यहाँ पर कुछ चेंजिंग की है, मैं आपको दिखा देता हूँ. देखिए हमारे पास, देखिए ये m प्लस एस का फैक्टोरियल लिखा है. m प्लस एस का जो फैक्टोरियल है वो बेसिकली गैमा ऑफ m प्लस एस प्लस वन के बराबर होता है, और यहाँ पर m m कैंसिल हो जाएगा तो गैमा ऑफ s प्लस वन बच जाएगा. यहाँ पर मैंने वैसे ही लिख दिया, पावर में भी 2m माइनस m करेंगे तो m बच जाएगा. यहाँ पर माइनस वन की पावर m प्लस एस है तो उसको मैंने दोस्तों में लिख लिया, ठीक है, इस तरह लिख सकता हूँ मैं क्योंकि बेसिस सेम है, तो पावर को ऐड करेंगे तो दोबारा ये वाली टर्म बच जाएगी और यहाँ पर एस इज इक्वल टू जीरो आ गया. अच्छा, ये तो हमारे पास स्टेप आया ये वाला. ओके, इसमें आपने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास जो सबमिशन की लिमिट है वो एस में है, तो ये जो माइनस वन की पावर एम है ये इंडिपेंडेंट ऑफ एस है, तो इसको हम बाय भी लिख सकते हैं. इसको मैंने बाय लिख दिया, बाकी सारे टर्म वैसे ही लिख लिया. अब हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है गैमा ऑफ एस प्लस वन, ये बेसिकली एस फैक्टोरियल के बराबर होते हैं. मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है ना कि हमने गैमा और फैक्टोरियल के दरमियान जो रिलेशन है उसको भी हमने यूज़ करना है. तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना बेसिकली ये एस फैक्टोरियल के बराबर होगा. अच्छा, अब ये जो माइनस वन की पावर एम है इसको हमने यहाँ पर वैसे ही लिख लिया, और ये जो सारी चीज़ स्टूडेंट ये वाली, ये बेसिकली हमारे पास जे एम ऑफ एक्स के बराबर होती है. यहाँ पर हमने जो है ना वो सबमिशन की जो लिमिट्स हैं वो हमने बेसिकली एस में लिखी हैं, तो यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. तो यहाँ पर ये जे एम ऑफ एक्स आ गया. तो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास यही थी ना, जे माइनस एम ऑफ एक्स, और राइट साइड ये आ गई. तो इस तरह से हमने स्टूडेंट इसको वेरीफाई कर लिया है. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.